सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राकेश शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हूं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। यानी यहां पे आपको बताना है कि ये इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी और ये डेसिमल के किस टाइप में आएगा, ये ठीक है ना, कौन सा टाइप है इसमें। तो अभी टाइप की भी बात कर लेंगे हम लोग और ये देख लेंगे कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो 36 बाई 100 की अगर हम लोग बात करें तो 36 बाई 100 यानी कि 36 को डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, 100 से। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मली अगर मैं चाहता तो इसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकता था यहां पे, बट ऐसा हर केस में नहीं होता, तो मैं आपको डिवाइड करके पूरा दिखा दे रहा हूं। 100 की टेबल आपको पढ़नी है 36 के अंदर, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे डेसिमल और यहां पे एक जीरो आ जाएगा। अब ये हो गया 360। 100 की टेबल 360 में कितने टाइम्स आएगी, 3 टाइम। 100 3 जा 300, माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। पॉइंट लगा है, एक डेसिमल ऑटोमेटिक आ जाएगा 600। अभी क्या करेंगे आप, 100 की टेबल 600 में कितनी टाइम्स आएगी, 6 टाइम जाएगी। तो 100 6 जा 600, ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। एंड फाइनली यू गॉट द आंसर 0.36। आंसर क्या मिला आपको, 0.36। तो यहां पे आप क्या लिख पाएंगे, यहां पे आप लिख पाएंगे हेंस 36 बाई 100 इज इक्वल टू 0.36। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो रिमाइंडर आ गया जीरो, तो इसका मतलब इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, यहां पे ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। यानी अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो आगे कुछ तो डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा, यानी ये यहीं पे फिनिश हो गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन 0.36 आएगा और इसका जो टाइप की जो उन्होंने बात की, काइंड की बात की, काइंड बोलो टाइप बोलो, तो वो टाइप इसका क्या है, टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर जीरो आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/11। तो 1/11 यानी 1 को डिवाइड करना है किससे, हमें 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो 11 की टेबल 1 में तो पढ़ी नहीं जा सकती, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली इतना डिवीजन आपने पढ़ा होगा। तो क्या करेंगे यहां पे, जैसा अभी मैंने किया, सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो आ जाएगा यहां पे। अब ये 10 हो गया, ये 11 है, अभी भी 10 इज लेस देन 11, स्टिल 10 इज लेस देन 11, यानी 10 11 से अभी भी छोटा है। तो क्या करेंगे, यहां पे हम एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये यहां पे एक जीरो आ जाएगा। जितने जीरो आप ऊपर बढ़ाते हो उतने जीरो आते हैं, एक जीरो बढ़ाया एक जीरो आ गया, 10 इंक्रीज 10 इज हियर। अभी 11 की टेबल 100 में पढ़ी जा सकती है, ऑब्वियसली पढ़ी जा सकती है, सही बात है। तो यानी कि 11 की टेबल 100 में अगर आप पढ़ोगे तो 11 9 जा क्या होता है, 99। 11 9 जा 99, तो 100 में से 99 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। पॉइंट लगा है तो यहां पे डेसिमल बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा है तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद में अब फिर से 11 की टेबल 10 में नहीं पढ़ पाएंगे तो यहां पे जीरो फिर से लगाएंगे, यहां जीरो आ जाएगा, फिर से वही 11 9 जा 99, फिर से वही कहानी, फिर वही गेम, जीरो बढ़ाओ, यहां पे पॉइंट लगा, एक जीरो आएगा, दूसरा जीरो बढ़ाया तो एक जीरो और आ गया, फिर से 11 9 जा 99। तो हम ये देख रहे हैं यहां पे कि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी, ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली आपका बढ़ता रहेगा। तो फाइनली यू कैन से दैट यहां पे आप लिख पाएंगे, ये फर्स्ट के लिए था। सेकंड के लिए देखिए यहां पे लिखेंगे हेंस 1/11 इज इक्वल टू, क्या लिख पाएंगे आप, 0.09। अच्छा यहां पे देखिए एक चीज आप देखिए, 09 09 09 09, स्टिल बार बार 09 09 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप एक ऐसे लाइन खींचते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बार बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.09 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 09 09 इज रिपीटेड फॉर सो मेनी टाइम्स, कितनी टाइम पता नहीं। तो ये तो इसका आंसर हो गया, डेसिमल फॉर्म हो गई इसकी। अब इसके टाइप की बात करें, इसके काइंड की बात करें हम लोग, तो टाइप क्या होगा इसका, दैट विल बी, सबसे पहली चीज तो ये 0909 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रिकरिंग। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, रिकरिंग, रिकरिंग है। और दूसरा
यहां पे आपने देखा था रिमाइंडर जीरो आया था, तो हमने क्या बोला था टर्मिनेटिंग, यहां पे तो रिमाइंडर जीरो आ नहीं रहा है, बार बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका ये रिकरिंग के साथ साथ और क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग के साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रिकरिंग भी है, यानी बार बार ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड का। अब आइए आते हैं थर्ड के पास, फोर इंटीगर वन बाई एट, तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन फोर इंटीगर वन बाई एट, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा एट फोर जा 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 33 बाई 8। अब देखिए ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया, तो 33 बाई 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे, आइए देखते हैं, यानी हमें डिवाइड करना है किसको, 33 को, किसको डिवाइड करना है हमें 33 को, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 फोर जा 32, वेरी नाइस, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा क्रॉस 0, अभी ये 1 है ये 8 है, तो यहां पे क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहां पे एक 0 बढ़ जाएगा, अभी 10 हो गया ये 8 है, 8 की टेबल 10 में कितनी टाइम्स आएगी, 1 टाइम, 8 1 जा 8, वेरी नाइस, अभी 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, अच्छा 2 आया तो पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो, 8 2 जा 16, वेरी नाइस, 20 माइनस 16 कितना आएगा 4 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, 8 5 जा 40, 8 5 जा क्या हो गया 40, ये देखिए रिमाइंडर यहां पे फिर से एक बार 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है यहां पे आप लिख पाएंगे हेंस दैट वाज 4 इंटीगर 1 बाई 8 इज इक्वल टू, आंसर आया 4.125, आंसर कितना आया 4.125। अब ये चीज क्या है, सबसे पहली चीज तो ये क्या है आपका, सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा ये फर्स्ट टाइप से देखिए मैच कर रहा है, रिमाइंडर जीरो यहां भी आया है, रिमाइंडर जीरो यहां भी आया है, तो जब भी रिमाइंडर जीरो आता है तो उसका टाइप क्या होता है भैया, वो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर अबाउट फर्स्ट सेकेंड एज वेल एज थर्ड पार्ट, सो फॉर रिमेनिंग पार्ट यू विल गो थ्रू द सेम, यू विल गेट योर आंसर वेरी नाइसली। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अभी तक आपको बताया गया था कि वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट में है तो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे अगर p by q के फॉर्मेट में है देन हाउ वी विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल, रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो टर्मिनेटिंग हो, ये देखिए लाइक दिस, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर बोलेंगे, रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें क्या हो रिकरिंग हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। सेकंड अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर, यानी कि सबसे पहले इसका कंडीशन तो क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, यानी कि नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, नंबर्स क्या हो जैसे यहां पे आ रहा था 4.125, अगर ऐसे बढ़ता जाता यहां पे इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, ये 5, 8, 9, 2 ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर्स आते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग इरेशनल नंबर। तो दोनों में फर्क समझिएगा, सबसे पहली चीज फर्स्ट थिंग टर्मिनेटिंग है आंख बंद करके बोल दो रेशनल नंबर है, दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग आता है जैसे कि ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग दोनों में है रेशनल और इरेशनल, लेकिन कंडीशन क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर रिकरिंग है तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिकरिंग अगर आ जाए, क्या आ जाए नॉन रिकरिंग यानी कि नंबर रिपीट नहीं हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में हम लोग इसको पुट अप करें। बाय द वे अगर हम बात करें पार्ट 1 सेकंड और थर्ड की, तो ये तीन के तीनों कौन सी कैटेगरी को फॉलो करते हैं रेशनल नंबर की कैटेगरी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप रेशनल या फिर इरेशनल नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हो। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार. इसका मतलब क्या होगा, यही नंबर फिर से रिपीट होके आएगा. प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7. तो आपको इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे ये आपको बताना है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए 2/7 क्या लिखा है, 2/7. अब ये जरा बताइए 2/7 को क्या मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूँ ना. ऑब्वियसली वी कैन राइट 2 × 1/7. तो अगर ये 2 × 1/7 है तो यानी कि 2 × 1/7, 1/7 की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे आपको दी गई है 0.142857 बार दी गई है, ठीक है ना. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो. तो ये देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 10 × 1 = 11, 2 × 8 = 16, 1 × 17 कैरी 1, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2. 0 लगा दो और यहाँ पे बार लगा दो, ऐसे बार लगा दो. ये इसका आंसर हो गया 2/7 के लिए. सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना बस और कुछ नहीं करना. इन द सेम वे अगर मैं 3/7 की बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 1/7. तो यानी कि 3 × 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 0.142857 बार करके दी गई है. मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, दिस विल बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.37 × 21, 1, 7, 5, 8, 2 और 4. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा आंसर इसका 0.428571. सो दिस विल बी आंसर अबाउट 3/7. 4/7 के लिए 4 × 1/7 फिर से, तो 4 × 0.1/7 की वैल्यू आपको पता ही है 1, 4, 2, 8, 5, 7. इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.571428 बार में आ जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना. सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से ये जो वैल्यूज दी गई हैं मल्टीप्लाई करना है. 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/7 और 6/7 के लिए आपको क्या करना है कि जो भी ये वैल्यू दी गई है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q. यानी कि आपको इसे P/Q की फॉर्म में बताना है. P/Q में बताना है तो इसके लिए क्या कर पाएंगे, ये देखिए 0.6 बार लिखा है, इसका मतलब ये 0.6666 ऐसे कई बार ये रिपीट होता चला जाएगा, हो जाएगा ऐसा. ऐसा तो आप इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो यहां पे आप ऐसे लिख दो, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. तो यानी कि x इज इक्वल टू 0.666 फॉर सो मेनी टाइम्स. अब यहां पे क्या करोगे, आपको चूंकि इसको P/Q के फॉर्मेट में लिखना है और आप ये देख रहे हैं सेम नंबर रिपीट हो रहा है, एवरी टाइम सेम नंबर इज रिपीटिंग. तो यानी यहां पे आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 × 0.66 सो मेनी टाइम्स. तो यानी कि 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट पीछे आ जाएगा. तो यानी ये हो जाएगा 6.6666 समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा. अब इसको देखिए, हम इसका थोड़ा ब्रेकअप कराएंगे तो 10x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 6 + 0.66 फॉर सो मेनी टाइम्स, ऐसा लिख सकते हैं. मानते हो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. 6.666 करके था तो हमने 6 को यहां पर कर दिया और पॉइंट के बाद वाले को 0.6 ऐसे बना दिया. ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा जो भी जो हम प्रूफ करना चाहते हैं, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए. तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए 10x इज इक्वल टू 6 + ये देखिए 0.666 ये किसके इक्वल है, ये देखिए x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.66. तो यानी इतने के प्लेस पर हम यहां पे x लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, आप देखिए x यानी जितने आपके वेरिएबल्स हैं एक तरफ कर लो नंबर्स को एक तरफ, तो ये x है, ये 10x है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x - x = 6. तो इसका मतलब क्या हुआ, 10x - x
तो यानी कि 9x is equal to 6, this implies that x is equal to 6 by 9, इसको कट पिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, finally, यहाँ पे आप चाहो तो लिख पाएंगे, hence that 0.6 bar is equal to 2 by 3, this is your final answer and it is in the form of P by Q, ये P by Q के format में है, 2 by 3, इसको divide करेंगे तो ये 0.6 bar ही मिलेगा, अगर कोई इसका type पूछता तो आप क्या बोलते हैं इसको, non-terminating recurring, यानि कि ये एक rational number है, कौन सा type है, non-terminating है, 6-6 कई बार आ रहा है, recurring, repeat हो रहा है number, तो non-terminating recurring means rational number की category में आएगा, second part, 0.47 bar, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 0.47 bar है, यानी कि 0.4, 7 के ऊपर ही सिर्फ bar लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है, ठीक है ना, तो यानी ये 0.477, ऐसे so many times आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको भी वही same workout, let x is equal to 0.47 bar, यानी कि 0.4777, so many times, फिर से same workout करेंगे हम लोग, 0.4 के बाद में 7, so many times repeated है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, again, that multiplying by 10, 10 से multiply कर देंगे, दोनों side को इसको, ठीक है ना, ये, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा 0.477 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0.1 डिजिट पीछे आ जाएगा ये हो जाएगा 4.77 समथिंग ठीक है ना ऐसा हो जाएगा क्या हो गया ये 4.77 हो गया अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखिएगा इसको अभी हम क्या करेंगे इसको अगर एग्जैक्टली अगर देखें तो ये क्या है 4.7 है ना ये क्या है एक्चुअल में 4.7 ही तो है 4.7 में से इस 0.47 को माइनस कर देंगे तो देखिए 0.4 आगे तो 7 ही है उससे कोई मतलब ही नहीं अगर इसको माइनस करोगे तो 7 में से 4 जाएगा क्या आएगा 3 और 4 में से 0 जाएगा 4.3 यानी कि हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके क्या लिख पाएंगे देखिए इसमें से 4.7 से 0.4 को माइनस किया तो इतना आया तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो फाइनली आंसर हमारा ये मिल जाएगा 4.7 करके मिल जाएगा ना आपको तो यानी कि मैं इसको लिख पाऊंगा 4.3 प्लस 4.3 में क्या प्लस कर रहे हो 0.477 ऐसे आप इसको ऐड करा दिया प्लस करा दिया तो आपको ये मिल गया ठीक है ना तो ये दो पार्ट में आपका स्प्लिट हो गया जैसे ये देखिए दो पार्ट में स्प्लिट होता है तो अब आपका काम काफी आसान हो गया 10x is equal to आप लिख पाएंगे 4.3 प्लस ये 0.477 क्या है 0.477 क्या है x है ना तो यहां पे इसके प्लेस पर आप क्या पुट अप कराएंगे x पुट अप कराएंगे ये हो जाएगा 10x minus x is equal to 4.3 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे 9x आ जाएगा और 9x is equal to क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा अब चूंकि ये पॉइंट में है किसमें है ये पॉइंट में है तो पॉइंट हटाने के लिए आप चाहो यही मल्टीप्लाई कर दो या बाद में भी कर सकते हो तो मैं यही पे कर दे रहा हूं इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ठीक है ना यहां पे लिख दो अगेन मल्टीप्लाइंग by 10 फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 90x और इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 43 this implies that x is equal to 43 by 90 ठीक है ना so this is your answer hence you can say that 0.47 bar is equal to 43 by 90 ये 43 by 90 आपका final answer हो गया थर्ड पार्ट देखिए 0.001 bar तो 0.001 bar को यहां पे आप लिख दो let x is equal to 0.001 bar इसको आप लिख पाएंगे 0.001 फिर से 0.001 यानी 001 is going to be repeated for so many times अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड अच्छा ये जो मल्टीप्लाई अभी आपने देखा हम लोग कर रहे हैं कैसे ये पता करते हैं 10 से करना है 100 से करना है 1000 से आपको सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ठीक है ना 1 2 3 तो 3 है तो यानी हम यहां पे 1000 से कर देंगे 1000 में 3 0 होते हैं ना ये देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे x को 1000 से करेंगे हो जाएगा 1000x
इज इक्वल टू, अब यहां पे ये जो 0.001 था इसको अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.001, ये देखिए 1.001 हो गया, तो 001 यानी फिर से, तो यानी ये आप इसको चाहो तो 001 के ऊपर बार लगा सकते हो इस तरीके से, तो यानी कि ये क्या हो गया 1000x इज इक्वल टू 1+0.001 बार, तो 1000x इज इक्वल टू 1+, ये क्या है x है ना, ये x लिख दो, तो यानी 1000x और ये x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999x आएगा, 999x इज इक्वल टू 1, तो यानी x इज इक्वल टू 1/999, दिस इज योर फाइनल आंसर रिगार्डिंग पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ, सो मेनी टाइम्स 9 इज देयर ऑलरेडी, सो इट मींस दैट हियर यू कैन से दैट लेट x इज इक्वल टू 0.999 सो मेनी टाइम्स, इट मींस यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 0.9 बार, ये 0.9 बार ही तो है, तो यानी कि मैं इसको अभी थोड़ा सा 99 ही लिख दे रहा हूं, यहां पे ये 0.9 बार, तो 0.9 बार था, अब 0. देखें यहां पे सेम डिजिट मींस रिपीट हो रही है, सेम डिजिट ही रिपीट हो रही है ना, और नॉर्मली अगर यहां पे देखें तो पॉइंट के बाद डिजिट कितना है 1, तो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है डिपेंड करता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ठीक है ना, जो कि जहां पे रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पे 9 ही रिपीट हो रहा है सेम डिजिट, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही रहेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसमें करोगे 0.9 में करोगे तो ये हो जाएगा 9.999 समथिंग लाइक दैट, तो यानी कि 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9+0.99, ऐसा आप लिख सकते हो इसको, तो यानी कि 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये 0.9 बार, और ये 0.9 बार किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यानी 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, तो 10x ये इस x को उस तरफ ले जाओ तो ये माइनस x हो जाएगा 9, तो 10 माइनस 1 यानी 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/1, यानी फाइनली यू गेट योर आंसर x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, 5/7 और 9/11 जो कि रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको पता करने, तो सबसे पहले तो ये देखिए जो 5/7 है इसके सॉल्यूशन में लिख पाएंगे हम लोग 5/7 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा आपका 0.714285, 5/7 को डिवाइड करके आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 714285, इन द सेम वे जब आप 9/11 की बात करेंगे, ठीक है ना, किसकी बात करेंगे आप, इन द सेम वे 9/11 की, तो इसका आंसर आएगा 0.81, कितना आंसर आएगा इसका 0.81 आएगा। अब आपको इन्हीं दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो यहां पे लिखेंगे हेंस 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 5/7 एंड 9/11 आर, यानी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर डिवाइड किया आपको ये मिला, अब इसके बीच की लेंथ में कोई भी नंबर आप लिख दो चलेगा, डोंट वरी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, तो फर्स्ट तो हो जाएगा सपोज 0.71 है ना ये, तो 71 और यहां पे रेंज आपको मिल गई 7181, इसके बीच में क्या 7 2 4 2 8 5 कुछ भी आप लिख दो 0.734285, फिर 0.74 या 74 अगर सीक्वेंस में नहीं लिखना तो 81 के पहले का कोई भी नंबर डाल दो 7 6 4 2 8 5, दीज आर द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी आपको इन नंबर्स को बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर्स है, तो आइए देखते हैं, वी विल कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर मैं अंडर रूट 23 की बात करूं तो अंडर रूट 23 क्या एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है,
तो अगर आएगा भी तो वो ऐसा आएगा कि जो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अभी अभी रूल्स बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। सेकंड अगर मैं बात करूं अंडर रूट 225 की, तो ये 225, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड 15 इज रेशनल नंबर। 15 क्या है? रेशनल नंबर। सेकंड ये देखिए, बिना किसी डिवीजन के आपको दिख रहा है रूल्स, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर वो क्या हो टर्मिनेटिंग हो, क्या हो टर्मिनेटिंग हो, तो ये देखिए टर्मिनेटिंग 0.3796 पे आके स्टॉप हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर। तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए कि रेशनल या इरेशनल क्यों लिख रहे हैं। ये टर्मिनेटिंग है, रेशनल नंबर है, ये इसका 225 का स्क्वायर रूट 15 है इसलिए रेशनल नंबर है, 23 का नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो इरेशनल हो गया। अभी यहां पे देखिए 7.478478 बार बार देखिए रिपीट होता चला जाएगा, कंटिन्यूअसली एंडलेस है, यानी कि यहां पे ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहां पे ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग भी है ना, तो इरेशनल नंबर हो गया। यहां भी वही सेम स्टेटस सेम कहानी, तो ये भी आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर। कंडीशन आपको वही जो मैंने बताई थी नोट्स में लिखाई थी कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों है तो वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। सो दीज टू आर इरेशनल, ये रेशनल और ये एक इरेशनल नंबर। सो दिस वॉज अबाउट एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई है वीडियो पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। मैक्स वंस अगेन, डोंट गो फॉर रटाफिकेशन, टेक केयर, बाय बाय।